तो हेलो गाइस, आपको शुभकामनाएं नवरात्रों की। एंड अभी मैं निकल रहा हूँ घर से मंदिर के लिए, और आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और कल से रमजान भी शुरू हो चुके हैं, तो उसकी भी आपको शुभकामनाएं। एंड चलो फिर निकलते हैं। आज मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ चीची माता के मंदिर में, एंड मेरे फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे, जम्मू के लोकल फ्रेंड्स। ये 4 साल पहले मेरे साथ थे कॉलेज में, यहाँ से मैंने 1 साल कॉलेजिंग भी की है। एंड अभी हम लोग जाएंगे चीची माता के मंदिर में। अंदर वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न होते हैं, तो वहाँ पे तो वीडियो नहीं बनी। लेकिन अभी मैं नीचे जा रहा हूँ वापस, और अभी मतलब वो थोड़ा देखेंगे कि मंदिर में और क्या क्या है। एंड चलो फिर यार, यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको कुछ हो जाता है, बीमार हो जाते हो या कुछ भी हो जाता है, यहाँ पे इस मंदिर में फ्री आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी है, यहाँ पे आप फ्री में इलाज करा सकते हो। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और हमारे यहाँ के चीची माता के फेवरेट कचालू खाने आए हम लोग। इसको बोलते हैं कचालू, ये देख लो आप। और ये मेरे फ्रेंड से जो बैठे हुए खाने के लिए, दावत उड़ाने के लिए आए ये। अभी मैं एक टेस्ट करूंगा, भैया ने कहा एक टेस्ट करके बताओ कि कैसा है ये कचालू, कैसे बनाया है, तो मैं टेस्ट करता हूँ। अरे बहुत मज़ेदार है, बस इसमें मिर्ची ज़्यादा स्पाइसी है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। तो आप अगर इसको टेस्ट करोगे, आप आके अगर इसको नहीं खाया आपने तो कुछ नहीं किया, मतलब ये सबसे बेस्ट कचालू है यहाँ के। अभी हम आ चुके हैं सांबा में, और हमारे यहाँ के फेवरेट भल्ले, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं पल्ले, और वो हमारे यहाँ के फेवरेट है और हमारे यहाँ के स्ट्रीट फूड है। मतलब कि आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छे भल्ले कहीं नहीं मिलेंगे। तो हम पूछ रहे थे भैया से कि भैया आप बनाते कैसे हो इसको। भल्ले बन रहे हैं अभी। भैया आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? 6-7 साल हो गए आपको ये काम करते हुए। और आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील कुमार, अच्छा। तो ये आप भल्ले बना रहे हो ना अभी, तल रहे हो, और इसमें और क्या क्या डालते हो आप, वो सब बता सकते हो अभी? अपना अपना फ्लेवर है भैया, ऐसा तो चने की दाल होती है। हाँ हाँ हाँ, अपनी मर्जी है, धनिया जीरा मिर्ची वगैरह जो भी अपना फ्लेवर, मतलब जैसे हरा धनिया डाल लो, सूखा धनिया डाल लो, जीरा डाल लो, मेथी वगैरह डाल लो, जैसे फ्लेवर है मतलब अपना। अच्छा, तो मतलब ये वैसे तो इनकी स्पेशल कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी होता है जो कि बताते नहीं किसी को। बाकी ये अभी इसको तल रहे हैं, और उसके बाद निकालने के बाद इसमें जो भी मसाला वगैरह डालेंगे या जो भी चीज़ें डालेंगे वो अभी आपको दिखा दूँगा।
ने बल्ले खा लिए और हमने टेस्ट कर लिया और आपको दिखा भी दिया कि ये बनते कैसे हैं और सब कुछ दिखा दिया। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं मानसर लेक को और वहाँ के बारे में बताएंगे आपको कि क्या क्या वहाँ पे है, मतलब सब कुछ। हम पहुंच चुके हैं मानसर में जिसका पहले नाम था मनीसर और इस लेक में अभी हम पहुंच चुके हैं। ये देखो लेक, एंड अभी हम इसके बारे में पूरा देखेंगे, पूरा जाएंगे आगे, पूरा घूमेंगे हम अच्छे से मेरे फ्रेंड्स के साथ। मैं घूमूंगा, मुझे इतना मालूम नहीं है यहाँ के बारे में, पर ये ज़रूर बता देंगे आपको बाद में। और अभी कंटिन्यू करते हैं। अभी हम आ चुके हैं ये मानसर का मतलब बेस्ट एरिया, यहाँ पे पान मतलब यहाँ पे ही बेस्ट मिलता है। और ये भैया बताएंगे कि कैसे ये पान में क्या क्या लगाते हैं, पूरा आपको दिखा देंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरजीत। सुरजीत, अच्छा तो आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरे को 12 साल। और 12 साल से आप ये पान यहाँ पे बेच रहे हो, तो आपका सबसे ज़्यादा आपका ही बिकता है यहाँ पे? हम लोग एक आपका ही है और भी है तैयार हो गया जी। तैयार हो गया अपना मीठा पान और इसको खाएंगे हमारे डोगरा भैया जिनका पूरा नाम है अभिषेक डोगरा। भैया खाओगे ना? बिल्कुल। मीठा पान लो, खा के दिखाओ। और कैसा लगा? एक नंबर, बढ़िया। और किसी को खाना है? लग गया नंबर। खाओ। ओ हाँ, कैसा लगा? अब तो बोला भी नहीं जा रहा। तो चलो पान वान तो खा लिया हमने। मतलब आप अगर मानसर आओ ना तो मानसर लेक में यहाँ पे ये पान मतलब ये बेचते हैं भैया, और बहुत अच्छा पान बेचते हैं। आप यहाँ पे ये पान जरूर ट्राई कीजिए एक बार। भैया नाम एक बार फिर से बता दो अपना। मेरा नाम सुरजीत पुरी है। सुरजीत पुरी, और यहाँ पे आपकी इकलौती एक ही दुकान है ये? नहीं, मेरे छोटे भाई भी हैं। अच्छा, दो है। ओके ओके ठीक है। स्पॉट है ये, यहाँ से हम लोग पूरी मछलियाँ वगैरह सब देख सकते हैं। हर मतलब जो भी आपको देखना है पूरा देखो, दूर दूर तक आप देख सकते हो अच्छे से। और ये मेरे दोस्त, ऐसा सीरियसली बताओ, मेरे को यहाँ के बारे में इतना मालूम नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को बहुत कुछ मालूम है, तो उनसे एक एक पॉइंट पूछूंगा, वो आपको बताएंगे कि ये क्यों इतना फेमस है मानसर लेक। तो सिकंदर भाई पहले आप बता दो। देखो विशाल, जैसे कि अभी आप जहाँ पे खड़े हो, हाँ, ये मेन जो प्लेटफॉर्म है, इसलिए जो आप व्यू देखते हैं यहाँ से आपको जो है पूरा मानसर लेक देखेंगे। ठीक है। अच्छा, मोस्टली आप देखोगे नीचे जो मछली मछली देखने के लिए जो मेन है यहाँ से आप देख सकते हो। और आपको जो अभिषेक भाई हैं, जो जो मैसेज छोड़ गया होगा अभी आपको अभिषेक भाई हमारे जो है वो बताएंगे। ठीक है, तो अभिषेक भाई बता दो यार थोड़ा सा। जो मानसर लेक है यहाँ पे हम एक्चुअली पानी है
वो खुद आता है, नेचुरली आता है बीच से। ये मानसर लेक और सुइंसर लेक दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ये दोनों शेष नाग हमारे नाग देवता से रिलेटेड है, ये रिलीजियस प्लेस है। अच्छा ठीक है ठीक है। और भाई थोड़ा आप भी बता दो, एक एक चीज बता दो, मैं मैं वीडियो में डाल दूंगा ये भी देखना, मैं सच में डाल दूंगा, कुछ नहीं पता। ये सेम मेरी तरह, ये सेम मेरी तरह, इनको कुछ नहीं मालूम। मैं 4 साल बाद वापस जम्मू आया हूँ, मतलब डिग्री करने गया था बाहर जोधपुर, और अब मैं आया हूँ यहाँ पे, और इन बेचारों को भी मेरी तरह नहीं मालूम कुछ भी। ये भाई साहब हमारे भाई हैं, इनको भी मानसर लेक के बारे में इतना नहीं पता, और इनको काफी नॉलेज है, इन्होंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि ये काफी हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए हम लोग यहाँ से, हम मतलब हिंदू मुस्लिम सब आते हैं वैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो नजारा बहुत अच्छा है, आपको अगली मतलब आगे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों इतना आते हैं लोग, मछलियाँ वगैरह देखते हैं, ठंडी हवा। हाँ, और ये इतनी ऊपर है ना, मतलब नीचे जम्मू है, सांबा सब कुछ नीचे है सिटी, और ये काफी ऊपर आना पड़ता है हमें। तो अभी देखो ये 20 से 22 मिनट की हो रही है, तो मैंने सोचा है कि इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं। तो फर्स्ट पार्ट जो अभी आपने देख लिया एंड सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। तो मैं एक चीज बताना तो भूल ही गया कि जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा मैं एक दो दिन में, तो उसको भी जरूर देखना, वो भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। और आपको मतलब उसमें जम्मू के बारे में और जो मानसर लेक जहाँ पे मैं गया हूँ उसके बारे में काफी मतलब इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। तो बने रहना एंड बाय बाय।